नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पांच सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम क्या है? ये तो आप जानते हैं, संज्ञा के बदले में प्रयोग करने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ये तो आपको मालूम है। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ ये कि सर्वनाम, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम में कितने भेद हैं उसे हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकार के बारे में अथवा भेद के बारे में देखना है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक पढ़ने के बाद बाकी तीनों हम पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? देखिए ना, इसमें प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष है। ये तो जो शब्द में या आ, तुम या वो, वे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें कितने भेद है? तीन भेद है। कौन कौन से भेद है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ऐसे कितने भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम में? तीन भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या हो जाएंगे? मैं, मुझे, मुझसे, ये सभी किसमें आएगा? उत्तम पुरुष में, फर्स्ट पर्सन। द सेकेंड पर्सन विल बी द मध्यम पुरुष, द थर्ड पर्सन विल बी द अन्य पुरुष। ओके, तो जो वक्ता मतलब बोलने वाला जो भी होते हैं वो उत्तम पुरुष होते हैं, सुनने वाला मध्यम पुरुष और बाकी जो किसके बारे में हम बोल रहे हैं वो होगा अन्य पुरुष। ठीक है, यहाँ पर तीसरा व्यक्ति जो है अन्य पुरुष, वो ये सब इस्तेमाल करते हैं, तुम आ, वो मध्यम पुरुष में आएगा। और उसके लिए ना मैं चित्रकला में रुचि रखती हूँ, वहां पर मैं जो सर्वनाम है वो किसमें आएगा? उत्तम पुरुष में आएगा। तुम्हारी रुचि किसमें है? वहां तुम्हारी रुचि किसमें है? तुम्हारी जो शब्द जो है मध्यम पुरुष, उन्हें नृत्य कला के साथ साथ गायन में भी रुचि है। उन्हें, उन्हें मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को गायन और नृत्य दोनों में रुचि है उसके बारे में हम बता रहे हैं। यह जो उन्हें जो शब्द है वो होगा अन्य पुरुष। ठीक है, और उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, पास या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चित निश्चयात्मक रूप से ज्ञान कराने वाला सर्वनाम, मतलब निश्चित कॉन्फिडेंट निश्चित है तो उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो वो यही रखता है, यह बहुमूल्य पुस्तक, यह बहुमूल्य पुस्तक है, मतलब निश्चित है, यह बहुमूल्य पुस्तक है, तो वो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। जो निश्चित नहीं है, हमें पता नहीं है, उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक। क्या है? अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराते हैं। मेरी कॉपी कोई ले गया, कोई नहीं गया, कोई मालूम नहीं, किसी ने कोई व्यक्ति मेरी किताब को लेकर गया है, कोई जो शब्द जो है हमें मालूम नहीं है, अनिश्चित है ना। उसी तरह किसे पुकार रहे हो, किसे मतलब तुम किसको पुकार रहे हो, किसको मालूम नहीं है ना, कोई भी व्यक्ति होते को, यहाँ पर भूख लगी है कुछ तो खा लीजिए, मतलब कुछ तो खा लेना, समथिंग समथिंग एंड समवन कम से ज्यादा अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तो कितने वेद आप पढ़ चुके हैं? एक है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो चौथा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्नवाचक। और उसके बाद आएगा निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक जो शब्द ही बता रहे हैं प्रश्न है। सर्वनाम किस रूप में होते हैं?
प्रश्न के रूप में होते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। लेते हैं प्रश्न पूछने वाले, कौन है वहां, किसे बुला रहे हो, किसने कहा, ये सब ठीक है। और उसके बाद जो है जो संबंधवाचक सर्वनाम, और उसके बाद जो है नेचरवाचक सर्वनाम। संबंध क्या है, रिलेशन एक दूसरे के लिए संबंधित है तो उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है, जिसे पुकारोगे वही आएगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा, जिसने पानी गिराया है वही सा, जिसने वही, जो वो, जिसकी उसकी, जिसे वही, ये सभी शब्द क्या है एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद जो है निजवाचक सर्वनाम, अपने लिए हम मतलब खुद के लिए इस्तेमाल करने वाले जो भी शब्द सर्वनाम शब्द जो भी शब्द है उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर तुम पढ़ना, तुम रहने दो, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं खुद जाकर देख लूंगा, अपने आप जाना सीखूंगा, स्वतः काम करने की आदत डालो, ये सभी स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः जो भी शब्द है वो सभी निजवाचक सर्वनाम में आएगा। कितने आप पढ़ चुके हैं सर्वनाम में, कितने वेदे छह वेदे है, कौन कौन से, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, इसके बारे में आप तो पढ़ चुके हैं ठीक है। और उसके बाद जो भी है कुछ नहीं, उसके बाद आपके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है ठीक है। धन्यवाद।